Morning students, welcome back to your online classes. Today we will continue our previous chapter, that is chapter 8, sky is the limit. So previous video mein humne bird ke bare mein padha tha, bird ke features ke bare mein, theek hai. Ab jo hum next padhne wale hain wo hai home sweet home, yani bird ke home ke bare mein. So as we all know, bird ka home kya hota hai? Nest, theek hai. Ab wo nest build karta hi kyun? नेस्ट को बिल्ड इसलिए करता है टू ले एग्स. फिर जब वो एग्स हैच आउट होते हैं तो उसमें जो उसके यंग वंस निकलते हैं वो उनका टेक केयर करते हैं, ठीक है. सो नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि नेस्ट बनता कैसे है. वो नेस्ट बनाने के लिए किस चीज़ से यूज देते हैं? ड्राई लीव्स, ट्विग्स, वुल, फ्लोर, स्टोन्स एक्सेट्रा. यानी बर्ड अपने नेस्ट को बनाने के लिए ड्राई लीव्स का यूज देते हैं, ठीक है. ट्विग्स हो गए, यानी जो सूखे पत्ते होते हैं वो, वुल कोई भी क्लोथ अगर उनको यहाँ वहाँ पड़ा हुआ मिल जाए वो, एंड स्टोन्स. नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके चैप्टर में दे रखे हैं, जैसे कि पेंगुइन, वुडपेकर, ईगल एंड टेकर. तो इनके एग्जांपल दे रखे हैं कि इनका होम कैसा होता है, हाउ डू दे मेक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंगुइन्स की बात करें तो वो घर कैसे बनाते हैं? पाइल ऑफ स्टोन्स ऑन द शोर्स. यूजुअली आपने देखा होगा कि पेंगुइन आपको यहाँ वहाँ हर जगह नहीं मिलेगी, वो आपको कहाँ मिलेगी? बीच साइड जहाँ पे शोर हो, ठीक है, सी शोर. तो वो क्या करते हैं? स्टोन को इकट्ठा करते हैं टू मेक देयर नेस्ट. नेक्स्ट वुडपेकर मेक्स होल इन द ट्री ट्रंक विद इट्स बीक. वुडपेकर अपना घर कैसे बनाता है? होल करके. होल कहाँ करेगा? वो ट्री के ट्रंक पे, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो ट्री ट्रंक है, यहाँ पर वो होल करके अपना घर बनाता है. नेक्स्ट है ईगल बिल्ड अ रग नेस्ट हाई ऑन द ट्री टॉप. ईगल ऐसा बर्ड है जो हाई फ्लाई करता है ना, जो आसमान की ऊंचाई पर फ्लाई करता है. तो वो अपना नेस्ट भी कहाँ बनाता है? किसी टॉप जगह पर. तो वो क्या करता है? वो ट्री के टॉप पर नेस्ट बनाता है. नेस्ट भी मतलब यूं ही कोई भी चीज इकट्ठा करता है वो बना देता है, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ नेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट टेकर बर्ड स्टिचेस लीव्स विद स्पाइडर वेब सिल्क और प्लांट फाइबर्स टू मेक अ नेस्ट. टेलर बर्ड क्या करता है? इस तरीके का नेस्ट बनाता है. नेस्ट बनता कैसे है? ये क्या करते हैं? लीव्स को स्टिच करते हैं, ठीक है. अब स्टिच करने के लिए पूछना मुझे, जैसे हम यूजुअली अगर घर पे कोई भी स्टिच करते हैं तो वी नीड थ्रेड, तो वैसे ही इनको क्या चाहिए होता है? या तो प्लांट फाइबर, या तो सिल्क, या तो स्पाइडर का वेब, ठीक है. उसके थ्रू क्या करेंगे? स्टिचिंग का काम शुरू कर देते हैं. लेकिन जैसे ही स्टिच हो जाता है तो इसके बाद ये क्या करते हैं? ये इसके ऊपर लीफ की कवरिंग लगा देते हैं. लीफ का कवर क्यों लगाते हैं? सो दैट उनका जो होम है, उनका जो नेस्ट है वो कैसा हो? कंफर्टेबल हो और सॉफ्ट हो. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बीक्स. अगर हमें खाना खाना तो हम इसका यूज करते हैं माउथ, और माउथ के अंदर बीक. बर्ड्स के पास बीक नहीं होता तो वो किसका यूज लेते हैं? बीक्स का, ठीक है, यानी चोंच का. अब वो क्या करते हैं कि बीक्स के यूज इसलिए करते हैं खाना खाने के लिए, इंसेक्ट्स खाने के लिए, ग्रेन खाने के लिए, फ्लैश खाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है. तो हर किसी का जो फीडिंग हैबिट है वो डिफरेंट है, हर कोई अलग तरीके से खाना खाता है. तो उनके फीडिंग हैबिट के ऊपर बेस्ड उनका बीक होता है. तो सबसे पहले फ्लैश इन बर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, यानी जो मांस खाते हैं, रेप्टाइल्स, ईगल, ठीक है, ये सब क्या फ्लैश इन बर्ड्स. एंड उनके जो बीक होता है कैसा होता है? शार्प hooked and strong beaks, ठीक है. sharp यानी तीखा, hooked यानी थोड़े से curved होते हैं वो, और strong होते हैं यानी मजबूत, ठीक है. इस टाइप का ये ईगल का भी. नेक्स्ट आते हैं ग्रेन ईटिंग बर्ड्स. अगर ग्रेन ईटिंग बर्ड्स की बात करें तो इनकी बीक कैसे होते हैं? एग्जांपल पहले देख लेते हैं. स्पैरो, हैं, ठीक है, ये सब क्या है? ग्रेन ईटिंग बर्ड्स है, यानी जो ग्रेन खाते हैं वो. अब इनके बीक कैसे होते हैं? शॉर्ट एंड पॉइंटेड, यानी छोटे होंगे और कैसे होंगे? तीखे, पॉइंटेड होंगे, ठीक है. इसका रीजन क्या है? ताकि ये लोग ग्रेन्स को सीख लें या फिर क्रश कर सके और उसे खा सके. नेक्स्ट वाटर बर्ड्स. वाटर बर्ड की एग्जांपल है डक, स्पून बिल्स, ठीक है, ये इनके एग्जांपल हो गए. अब इनके बीक कैसे होते हैं? तो
ये कैसा हो?